Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel, Neat Biology Anika. So, अगर आप really मेरे channel को देख रहे हो, मेरे videos को follow कर रहे हो, तो already you must be aware that I have started with a new series, जिसका नाम है Question Paper Series. ठीक है, उसके मैंने 7 videos already, in fact, I'll say a shorts है, 7 shorts है जो मैंने already upload कर दिए, जो आपको देखने के लिए मुश्किल से 15 second लगेंगे, लेकिन आपको वो 15 marks जरूर दे सकते हैं. Video होंगे 13, 14, 15 second के, but at least मेरी guarantee है कि आपको 15 marks तो उसमें से जरूर मिल सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर सीरीज और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बारे में. तो ये क्वेश्चन पेपर सीरीज मेरा अपलोड करने का रीजन क्या है? सबसे पहले तो हमने सुना है लास्ट के 10 साल पेपर सॉल्व करो, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे. हमने सेम किया था एसएससी बोर्ड के भी, बट क्या आपने सच में अभी तक सॉल्व किया है? क्या आपने सच में अभी तक 2011 या 12 का पेपर देखा है? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि शायद आप लोगों ने 2017, 2018, 19, 20 का पेपर देखा होगा, बट क्या आप उन्हें उतनी मेहनत करी हुई है कि आप 2011, 2010 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा आपने? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोल रहे होंगे नहीं. तो इसीलिए यही रीजन था मेरा वीडियोस अपलोड करने का, बिकॉज जब आपको फोटो में जैसे कि वीडियो में जो हार्डली 13-14 सेकंड के होते हैं, उसमें एटलीस्ट यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस, करेक्ट? आप क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि यार मुझे ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, करेक्ट? तो सबसे पहला रीजन टू स्टार्ट विद क्वेश्चन पेपर सीरीज उन लोगों के लिए था जो कभी क्वेश्चन पेपर देखते नहीं है. ये क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी क्यों है? क्यों बार बार हमें टीचर्स बोलते हैं यार सॉल्व करो, 10 साल के पेपर्स निकालो, एसएससी में भी बोलते थे, एचएससी में भी बोलते, क्या ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस? यस, उसका रीजन है यस, बिकॉज ये जो हमारे प्रीवियस 10-15 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसमें से आपका जो करंट एग्जामिनेशन आने वाला है, दैट इज योर एचएससी बोर्ड 2021, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका 60% ऑफ द पेपर वही 10 साल से आपको पूछा गया हो. क्यों? बिकॉज ये 10 साल में जो पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें हमारा 60% ऑफ द जो पेपर होगा वो प्रीवियस 10-12 ईयर्स के बीच में होगा. तो कहीं ना कहीं आपका जो 60% ऑफ द पोर्शन है वो कवर अप हो रहा है. तो जो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बायो में, कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें, कितना बड़ा चैप्टर है, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें. सी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन लिखें. मेरा मतलब है कि आप एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाइए, अगर आपको नहीं आता है तो उसे टेक्स्ट बुक से रेफर करके आप पढ़ लीजिए, दैट्स इट. ठीक है, उसमें आपको बैठ के 3 घंटा लिखना नहीं है. और कहीं ना कहीं अगर आपने पेपर को एनालाइज किया है तो क्या आपको पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के पेपर में? नहीं. तो बायोलॉजी के एक पेपर में आपको मिनिमम 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मिनिमम 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट वन में 17 एंड पार्ट टू में 17. इसीलिए आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक ईयर का बायोलॉजी 1 अगर आज अपलोड किया है तो दूसरा मैंने अगले दिन अपलोड किया है. उसका रीजन है बिकॉज आज बच्चे बहुत आलसी हैं, करेक्ट? 34 क्वेश्चंस उनके लिए बहुत एक ह्यूज नंबर हो जाता है. 34 क्वेश्चंस कवरिंग इन वन डे, प्लस फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, नीट भी सॉल्व करना है, जेडब्ल्यू करना है, जेडब्ल्यू एडवांस की तैयारी करनी है, एम्स की तैयारी करनी है, तो वो सबको इजी करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ 17 क्वेश्चंस एक दिन में अपलोड करूं. तो एटलीस्ट मेरा बच्चा जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो 17 क्वेश्चंस तो सॉल्व करेगा, उतना टाइम तो बायो के लिए वो निकाल ही लेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो तो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, करेक्ट? तो उसको सोचते हुए मैंने एक पार्ट एक दिन अपलोड किया है, तो दूसरा पार्ट दूसरे दिन अपलोड किया है. अब अगर आप सिर्फ 10 साल के, ठीक है, मैं आपको सिर्फ 10 साल के बोल रही हूँ, और मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि आप 12 से 13 साल के पेपर सॉल्व करें, बट अगर आप सिर्फ 10 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है इतनी तो मैथ्स आप सबको अब तक आ गई होगी कि आपको क्लियरली पता है यार मतलब 10 साल के इंटू 34 मतलब 340 क्वेश्चंस. यस, आपने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में कहीं ना कहीं जो आपने पूरे साल में भी नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल में भी 350 क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे, आप सिर्फ 20 दिन में बहुत ही इजी तरीके से 340 क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं. अब आप सोचोगे अरे यार मैम तो बोल रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है तो 340 कैसे होंगे? करेक्ट, ये भी बात करेक्ट है. तो बात यहाँ ये आती है कि यार 50-60% पोर्शन तो रिपीट हो जाता है तो कैसे 340 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं? नहीं, बट एटलीस्ट 220-230 क्वेश्चंस तो कवर कर रहे हैं.
क्या वो भी बहुत कम नंबर है 20 दिन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप 230 टू 250 क्वेश्चंस लेकर प्रिपेयर्ड हो ऑन फेब्रुवरी, बिकॉज ये मैंने पेपर सीरीज शुरू की है फेब्रुवरी में और अभी भी आपके एग्जाम्स को 3 महीने बचे हैं, तो आप इतने नंबर के साथ प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। सो आपका एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन तो हो गया है, अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, ठीक है। अच्छा लो, मैम ने ये बता दिया इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए, पर मैम क्या कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हुए हैं, क्या 2016 में आने वाला क्वेश्चन 2017 में आ सकता है? यस एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एनालिसिस के बाद मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चन 2016 में पूछा है वो एक्चुअली में 2017 में पूछा है। तो जो बच्चे ये सोच के बैठे यार 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ क्योंकि उसमें से एक भी क्वेश्चन 2021 में नहीं आएंगे, वो गलत सोच रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन आपको आ सकता है 2021 में, क्योंकि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल 2015 में एंड 2016 दोनों में पूछा गया था। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के कॉन्सेप्ट पे 2016 पे भी क्वेश्चन था एंड 2017 पे भी क्वेश्चन था। कार्बन साइकिल एज इट इज रिपीटेड थी 2016 2017 में। सेरिब्रम 14 एंड एक साल का ब्रेक डाल दिया उन्होंने, 16 में पूछा गया था। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 14 16 एंड 17, इतने बार ये क्वेश्चंस जो हुए हैं हमारे रिपीट हुए हैं, कॉन्सेक्यूटिव इयर्स में रिपीट हुए हैं। तो क्या 2020 का क्वेश्चन 2021 में नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल भी इसकी गारंटी नहीं है। तो प्रीवियस 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर सीरीज अपलोड की है। तो इनकेस अभी तक आपने इसे नहीं देखा है, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में नहीं बताया, तो प्लीज आप बता दीजिए सो दैट उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैम कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए थे, क्या ब्रीफ ज्यादा रिपीट हुए थे, क्या शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए थे? मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो आपको ब्रीफ सेक्शंस में मिलते हैं, लाइक 3 मार्क एंड 4 मार्क्स, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन 7 मार्क के आते थे, अब हमारा जो पेपर पैटर्न है वो 4 मार्क तक का है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो यूजुअली ब्रीफ हुए हैं, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है बहुत रेयरली रिपीट हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें मेहनत करनी है वो कौन से क्वेश्चन पे कर रही है? 1 मार्क क्वेश्चन पे। अब 1 मार्क क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 12 पूछे जाते हैं। आपने 10 साल का सॉल्व कर लिया तो आपने कितने करे? 120। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें? उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैं अगेन अपने वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ आफ्टर फिनिशिंग दिस क्वेश्चन पेपर सीरीज, जो ये वीक में हो जाएगा। उसके बाद में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज, जहां पर सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन लूज होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं मिनिमम 120 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, जहां पर मैं रोज 10 या 12 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी 10 दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं बाय मार्च फर्स्ट वीक यू आर ऑलरेडी डन विद 220-230 क्वेश्चंस, राइट, प्लस यू आर डन विद दिस 120-130 क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं यू आर डन विद अ मेजर पोर्शन ऑफ द बोर्ड्स। सो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपने जो ये क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर किए हैं, कि जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसी से आपका जो HSC बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें से आएगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस था जो मैंने लास्ट ईयर के 10 इयर्स के पेपर्स को देखकर किया हुआ है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम बायो बहुत वास्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहां से शुरू करें। तो बेटा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको यही क्वेश्चन पेपर सीरीज से शुरू करना है और कंटिन्यू करना है टिल 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क सीरीज, ठीक है। एंड सून आई एम गोइंग टू कम अप विद अदर डायग्राम सीरीज, विद अदर साइंटिस्ट नेम सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सून मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।